सफाई नहीं होने से पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। फसल बुवाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार क्षेत्र में सामान्य से भी कम बारिश होने के कारण मांडल तालाब में मात्र 3 फीट के लगभग पानी आया है। हालांकि मेजरा बांध में 28 फीट के लगभग पानी आने से किसानों को थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन नहरों की साफ सफाई और रखरखाव में लापरवाही के चलते पानी नहीं मिल रहा है। खेतों तक पानी ले जाने में भी अन्नदाताओं को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि नहरें जगह जगह से टूटी हुई है। इस वजह से टेल तक नहीं पहुंच रहा है। इलाके में पानी शोर भी सक्रिय है, जिस वजह से खेतों में फसलें चौपट हो रही हैं। किसानों का आरोप है कि नहरों के रखरखाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन उसका धरातल पर उपयोग कहां हुआ किसी को मालूम नहीं। दयाराम जाट, मेरे मेजा बांध की नहर का पानी के पास में, मेरे नहर के पास में मेरा खेत है, उसमें नीचे पानी वाले पिलाई करने वालों ने मेरे नहर को तोड़ के और मेरे खेतों में पानी भर दिया और एक नया तालाब बना दिया खेतों में। मेरी फसल नष्ट हो गई, रबी की फसल नष्ट हो गई। मैं तालाब की नहर है, तालाब की नहर जो यहाँ खेत में पहुँच न पा रही, खेत ठेठ तक पार्ट फूट चुको है, कोई निकालबा की व्यवस्था को नहीं। और ऊपर जो कहवा कि भाई पानी जिद्दी पहुँचे जिद्दी सफाई करना आपको थेना सफाई कह रहे तो खेत में पानी आए तो ना आवे, और ठेठ तक पार्ट फूटे तक खेत में पानी बेवे और न कोई पार्ट बंजे तुगो फिटी। और मैं परेशान एरिया और घरों नाक नाक आया गया, खेत में पानी पहुँच ही नहीं पा रही ना। तो खेत ये नहर के लिए बजट आयो, वो बजट ना बजट नहर के लिए आयो बताओ, मैं ही सुनियो पर आज दिन तक कोई पैसा नहीं लगा हुआ यहाँ पे। अधिकारी लोग बोलते हैं पार्ट पड़कुल को साफ करो तब हम पानी सौंपेंगे, बाकी पानी नहीं देंगे, ये सब लोग यही बोलते हैं। हम परेशान हो गए, पार्ट पड़कुल साफ करके कोई मजदूर भी नहीं लगाता है और इसको साफ भी नहीं करता है और इसको पक्का नहीं बनाते। हम परेशान हैं, पानी की बजट आता है इसका, वो नेता लोग खा जाते हैं, बड़े लोग अधिकारी सब बंटवारा करके खा जाते हैं और हमारा ये इतने परेशान है सब आदमी, सब पानी भरा हुआ है और 10 करोड़ रुपया आया बताया ही नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरा ऐसा का ऐसे ही है पड़ा है। हम सब परेशान हो रहे हैं और ये जो नया पार्ट था वो उसको सामली नहर को पाड़ के बंदी हुई कंप्लीट थी, उसको पाड़ के वापस बनाया पैसा खाने।